और सिर्फ बाराबंकी क्यों, पीलीभीत का किस्सा सुनिए। छेड़खानी से तंग आकर एक लड़की ने थाने में ही हिसाब किताब साफ कर दिया। वारदात यूपी के पीलीभीत की है। यहां पीड़ित लड़की ने थाने में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले की जमकर पिटाई की, लेकिन कानून हाथ में लेने पर सवाल भी उठे। यूपी के पीलीभीत में रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर इस लड़की ने दिन दहाड़े थाने में घुसकर उस शख्स को सबक सिखा दिया जिसकी घूरती निगाहें रोज उसके पीछे पड़ी रहती थी। लड़की ने पहले तो जूते चप्पलों से पीट पीट कर उस लड़के को अपने कदमों पर गिरा दिया। लड़का हाथ जोड़े खड़ा रहा, लेकिन लड़की उससे माफी मंगवा कर ही मानी। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली में लड़के का पिटाई कांड चलता रहा, लेकिन पुलिस वाले पास तक नहीं फटके। हम लोग पर डे कॉलेज से आते हैं, तो इस टाइप के लड़के डेली हम लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ। बट बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था तो मैंने ये एक्शन लिया। पिटाई कांड के बाद लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या थाने में घुसकर किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त मिल सकती है? क्या लड़की पहले पुलिस के पास नहीं जा सकती थी? हालांकि लड़की के माँ बाप तो शोहदे की मरम्मत करने पर अपनी बेटी को शाबाशी दे रहे हैं। एक्चुअली मेरे दो बेटी हैं केवल, और मैंने बचपन से लड़कों की तरह परवरिश किया। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरे लड़का नहीं, मैंने लड़कों की तरह पाला है। इस तरह की घटना हुई थी और चूँकि लड़की ने कोई उसमें तहरीर नहीं दिया था और कोई कार्रवाई नहीं चाहती थी माफ़ी मांगने के कारण, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने इसमें जांच का आदेश कर दिया है और जांच के बाद जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाने में ऑपरेशन पिटाई का वीडियो वायरल होकर सवालों और बहस की शक्ल भी ले चुका है। पुलिस अब कानून का मसला उठा रही है, तो महिला संगठनों की राय है कि छेड़खानी करने वालों को दिन में तारे दिखाने ही पड़ेंगे। सौरभ, पीलीभीत, आज तक।